तो अल्लाह वाला हिस्सा उठा के उसमें शामिल कर देते थे। खैर अल्लाह बेबरवाह है, खैर साबा यहकुमून, कितने बुरे फैसले करते। लेकिन इतनी बात तो साबित हुई कि वो अपनी खेतियों में और जानवरों में से एक हिस्सा निकालते थे किसके नाम का, लोगों ने समझा वो दैरिये थे। और मुसीबत ये बन गई है कि लोगों को कुरान की तरफ आने नहीं दिया, बेचारे लोगों को अंधा रखा, लोगों ने पढ़ा ही नहीं किया कुरान कि मुशरिकीन मक्का का अकीदा क्या। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह मेरे तफसीर के उस्ताद थे। अल्लाह ने उन्हें बड़े इलम से और बड़ी कुदरत और बहादुरी से नवाजा था। ऐसे बहादुर लोग माए जमती है खालका। अय्यूब खान ने उन्हें नजर बंद कर दिया 16 महीने के लिए अपने आबाई गांव। शेख कहते हैं वो 16 महीने जो थे ना, मैंने भी शुक्र किया कि या अल्लाह अपने गांव वालों को तौहीद सुनाने का मुझे मौका नहीं मिला, अब राज के हूं तौहीद सुनाऊंगा। तो मैंने रात दरस सुबह दरस और वही दौरे तफसीर भी पढ़ाया, जंगल में मंगल लग 500 तालिब इल्म इकट्ठे। तो कहते हैं एक दिन मैं दरस दे रहा था तो मैंने हजरत ज़करिया का वाकया बयान किया कि वो बूढ़े थे और सर के बाल सफेद हो गए थे और हड्डियां कमजोर हो गई थी और 120 साल की उम्र थी और रब से बेटा मांगा और अल्लाह ने बेटा उनको अदा। तो मैंने ये सारा मसला बयान किया तो दरस मैं खत्म कर चुका तो एक जट आ गया, उसने कहा मौलवी जी ये जो कुछ आपने सुनाया है ये वाकई कुरान में? मैंने कहा हाँ कुरान में। उसने कहा जी मेरा पीर तो कहता है कि तुझे बेटा मैं दूंगा लेकिन एक मज मैं लेनी है, भैंस मैंने लेनी है और इतने पैसे भी लेने हैं तो बेटा तुझे होगा। मैंने कहा तेरे पीर के हाथ से कख नहीं, ये बेटे बेटियां देने वाला। उसके दिल में बात बैठ गई, एक वक्त होता है हिदायत का अल्लाह जिसे चाहे समझे मुवाहिद। तो वो पीर साहब जब आए ना अपने वक्त पे फेरे लगाते, इनके फेरे होते हैं शशमाई चक्कर फिर सालाना चक्कर। मैं तो कहा करता हूं कि यारो पहले ये फैसला तो कर लो कि पीर जो है ये मुरीदों के मुश्किल कुशा हैं या मुरीद पीरों के मुश्किल कुशा हैं, ये तो फैसला करो। ये पीरों को पैसे कौन देता है, नजराने कौन देता है, मुश्किल कुशा थे मुरीद कमाल है। कहते जी ख्वाजा ना देंगे तो फिर कौन देगा, ख्वाजा तो ले ही बैठा, ख्वाजे को तो दिए मुरीदों ने पैसे। तो जिस तरह वो पीर साहब पहले आते थे घोड़े पे और अंदर ही दाखिल हो गया हवेली में, अंदर जाने लगे ना उसका का पीछा हटो है, अंदर मेरी बीवी है मेरी अतियां बैठिया ने कितने बड़े आना, उसका क्या मैं तेरा पीर, उसका क्या पीर का कुछ लगता ना मेरे पीछे हट। वो बाहर निकल के एक आदमी से पूछता है ये पागल तो नहीं है, मैं इसका पीर हूं अदब करता था जूतियां उठाता था, ऐसा क्या गुलामुल्लाह खान टक्कर गए। गुलामुल्लाह खान थे मेरे लाए नहीं थे वो टक्कर गए ही, बैर चल अल्लाह ने उसको बेटा दिया। तो शेख कुरान फरमाते मेरे पास आया मुझे कहता है बस जी मौलाना मेरी बच भी बच गई, पैसे भी बच गए, अल्लाह पुत्र भी दे। तो शेख कुरान कहते हैं एक दिन मैंने ये आयत जब बयान की ना यादुल्लाह मिम्मा ज़रा मिनल हासे वाला नाम, जो शरीकों का हिस्सा होता था वो अल्लाह की तरफ नहीं आने देते थे और अल्लाह का हिस्सा शरीकों की तरफ जाने देते थे, तो मुझे कहता है मौलवी जी ये तो मैं भी करता सा, ये तो मैं भी करता सा। मैंने कहा कैसे करता था, कहता है मैंने अपने नौकरों से कह रखा था भाई ये क्यारियां हैं अल्लाह के नाम की, ये खेत की जो क्यारियां है ना ये अल्लाह के नाम की हैं और ये क्यारियां ग्यारहवीं माले के नाम की हैं।
तो मैंने अपने नौकरों से कहा देखो अगर किदाई भेड़ा बकरियां जानवर आ जान ना ए अल्लाह की क्यारी मुंह मारन ते खैर है ऐदे नहीं है ऐजिया बुजुर्गान या क्यारी ना इस पासे नहीं। तो मुशरिकीन मक्का अल्लाह की जात के भी कायल हैं, अल्लाह की सिफात के भी कायल हैं, अल्लाह को पुकारते भी हैं और कश्तियों में खालिस पुकार किसकी करते हैं?